आज इस वीडियो में हम लोग कुछ ऐसी कार्स के बारे में बात करने वाले हैं जिनको खरीदना मेरे हिसाब से बिल्कुल वैल्यू फॉर मनी नहीं है, एंड उनको खरीदना मतलब पैसे की बर्बादी करने लायक है, मैं सिंपल अगर शब्दों में कहूँ तो। क्योंकि आज के टाइम में वो कार्स मेरे हिसाब से बिल्कुल भी रेलेवेंट नहीं है, एंड उनके काउंटर पार्ट्स आपको ज़्यादा वैल्यू फॉर मनी प्रोवाइड करते हैं मेरे हिसाब से। तो बिना देरी करें वीडियो स्टार्ट करते हैं। अब देखिए, वीडियो में आगे बढ़ने से पहले मैं एक चीज़ आपको बता दूँ कि वीडियो को पूरा देखें, उसके बाद अपने जो भी थॉट्स हैं कमेंट सेक्शन में रखें, बिना वीडियो पूरा देखे कोई भी अपनी बात का जजमेंट ना दे। अब जो पहली कार निकल कर आती है वो निकल कर आती है जो मोस्ट सेलिंग कार और सबकी पहली पसंद जितने भी बजट सेगमेंट वाले हैं, मारुति सुजुकी की वैगनार। देखिए वैगनार जो है नो डाउट पहले बहुत अच्छी कार थी, बट अब उतनी रेलिवेंट नहीं रही है मेरे हिसाब से, एंड उस प्राइस पॉइंट में आपको बहुत ज़्यादा वैल्यू मिल सकती है अगर आप अदर ब्रांड्स की तरफ जाएँ। एंड मैं इस वीडियो में अदर ब्रांड की बात भी नहीं करूँगा, मैं मारुति का ये काउंटर पार्ट बताने वाला हूँ जो मेरे हिसाब से ज़्यादा आइडियल है मेरे मेरे ओपिनियन में। मैंने कुछ स्टैट्स भी निकाले हैं, तो मारुति सुजुकी का जो सबसे ज़्यादा जो वेरिएंट बिकता है वो मेरे हिसाब से कहीं ना कहीं एलेक्सा ही वेरिएंट है, एंड उसकी जो ऑन रोड प्राइस पड़ती है लगभग 6,05,000 के आसपास पड़ जाती है डेली में। अब अगर फीचर्स की बात करूँ तो इसमें आपको 1 लीटर का इंजन देखने को मिलता है, एंड इसमें जो बूट स्पेस है वो 341 लीटर्स की मिलती है, एंड उसके अलावा क्योंकि बेस मॉडल है उसमें कुछ भी ऐसा खास नहीं है, व्हील बेस जो है वो 2435 का मिलता है। तो कुल मिला के आपको जो ये गाड़ी जो है 6 लाख रुपए में एक 1 लीटर इंजन के साथ मिलने वाली है। अब जो मैं इसका काउंटर पार्ट बताने वाला हूँ वो भी मारुति की तरफ से आता है, एंड वो उनकी नेक्सा सीरीज में आता है, एंड वो निकल कर आता है मारुति सुजुकी इग्निस, एंड उसका वेरियंट सिग्मा। केवल 15,000 रुपये एक्स्ट्रा दे के सबसे इंपॉर्टेंट बात, आपको 1.2 लीटर का इंजन मिलेगा, ज़्यादा रिफाइंड, ज़्यादा प्रीमियम एंड ज़्यादा पावर। तो सबसे इंपॉर्टेंट बात तो आपको 1.2 लीटर मिलेगा। सेकेंडली आपको 180 mm का ग्राउंड क्लियरेंस मिलेगा जो आजकल के हिसाब से काफ़ी अच्छा, क्योंकि हमारी डेवलपिंग कंट्री है, हर दिन कहीं ना कहीं कोई रोड खराब है कुछ है, तो आपको 180 mm में डेफिनेटली कॉन्फिडेंस आएगा गाड़ी चलाने में। एंड सबसे इंपॉर्टेंट बात, आप इग्निस परचेज करके सबसे इंपॉर्टेंट बात, आपका जो एक जो दिमाग में एक टेंशन रहती थी कि मैं वैगनर परचेज करके एक कैब वाली जो फील आती थी वो आपको इग्निस परचेज करके बिल्कुल नहीं आएगा, क्योंकि इग्निस जो है एक अर्बन लुकिंग कार है। तो कहीं ना कहीं मेरे हिसाब से वो 15,000 रुपये एक्स्ट्रा दे के आपको एक ज़्यादा फील आएगी कि आपने एक बेहतर कार परचेज करी है, एंड डेफिनेटली लॉन्ग रन में वो काफ़ी ज़्यादा हेल्प भी करेगी। दूसरी कार की जो बात करने वाला वो आजकल जो माइक्रो एसयूवी सेगमेंट है उसमें बड़ी ज़्यादा प्रचलित हो रही है, एंड वो निकल कर आती है ह्यूंडई की तरफ से, ह्यूंडई एक्स्टर। अब जो मैं पर्टिकुलर वेरियंट की बात कर रहा हूँ वो आता है SX पेट्रोल वेरियंट, एंड उसकी जो ऑन रोड प्राइस आती है लगभग 9,15,000 के आसपास आती है। अब देखिए, आप जो 9,15,000 रुपये में जो आप गाड़ी परचेज कर रहे हैं वो कहीं ना कहीं एक लोअर सेगमेंट की कार है, यानी कि शॉर्टर व्हील बेस, छोटे साइज़ की गाड़ी, तो कहीं ना कहीं जो 5 लोग बैठने का जो कंफर्ट है वो कहीं ना कहीं मिस करती है आप जस्ट डेट थोड़ी सी, क्योंकि गाड़ी रेस्ड है, 180 mm का ग्राउंड क्लियरेंस है, इस वजह से एक्स्ट्रा प्राइस आपको पे करना पड़ रहा है ह्यूंडई को। बट अगर मैं आपको बताऊँ, आप अगर थोड़ा सा दिमाग लगा के, क्योंकि इंजन वगैरह सब कुछ सेम ही रहता है मोस्टली ह्यूंडई की कार्स में, सब में 1.2 लीटर ही आता है, तो मेरे हिसाब से आपको ह्यूंडई एक्स्टर SX छोड़ के मेरे ओपिनियन में आपको कहीं ना कहीं जो ह्यूंडई i20 का जो स्पोर्ट्स वेरिएंट है वो परचेज करना चाहिए। अब मैं आपको रीज़न बताता हूँ, 9,23,000 रुपये, 10,000 रुपये एक्स्ट्रा देके एक तो आपको हायर वेरिएंट की कार मिल रही है, 56 मीटर वाले जो पूरा साइज होता है उसकी कार मिल रही है, प्रीमियम हैचबैक मिल रही है, इसमें भी आपको वही सारे फीचर्स मिल रहे हैं जो आपको SX में मिलते हैं, क्रूज कंट्रोल, सनरूफ, अब आपको स्पोर्ट्स में भी सनरूफ आता है, एंड सबसे इंपॉर्टेंट बात, अब चाहे आप ह्यूंडई कोई सी भी कार ले लो सब में आपको 6 एयरबैग्स मिलते हैं। तो मेरे हिसाब से ह्यूंडई i20 की ज़्यादा बढ़िया वैल्यू है, ज़्यादा अच्छी रीसेल वैल्यू है, एंड उसने जो अपना मार्केट वैल्यू बनाई है ओवरऑल हैचबैक सेगमेंट में वो मुझे लगता है ज़्यादा बेटर है। एंड मुझे लगता है कि अगर आप ह्यूंडई की गाड़ी परचेज कर रहे हैं एंड आपका बजट लगभग इतना ही है, तो मेरे हिसाब से आपको ह्यूंडई i20 स्पोर्ट्स पे जाना चाहिए, ज़्यादा बेटर डील है, एंड आपको इन फ्यूचर अगर आप कार सेल भी करेंगे तो आपको, मुझे ऐसा लगता है कि वो ज़्यादा अच्छी वैल्यू आपको प्रोवाइड करके देगा। बाकी आप बताइए कमेंट सेक्शन में आप लोग क्या सोचते हैं। अब जो तीसरी कार निकल कर आती है वो भी जो एक सिडान सेगमेंट को जो शमशान घाट कहा जाता है आज के टाइम में, उसमें भी जो अकेली वॉरियर बन के खड़ी हुई है वो निकल कर आती है मारुति की तरफ से, मारुति डिज़ायर। एंड उस पर्टिकुलर वेरिएंट की जो बात कर रहा हूँ वो बात कर रहा हूँ मैं VXI वेरिएंट की। 8,30,000 रुपये की ऑन रोड प्राइस में आपको 1.2 लीटर का बेहतरीन इंजन देखने को मिलता है, बहुत अच्छी रिफाइनमेंट है, 90 PS की पावर, 115 Nm का टॉर्क देखने को मिलता है, रेयर AC वेंट्स देखने को मिलते हैं, 2 DIN म्यूजिक सिस्टम देखने को मिलता है, तो ओवरऑल एक अच्छा पैकेज है, एंड इसकी बूट स्पेस भी काफ़ी अच्छी है, लगभग 378 लीटर्स की बूट स्पेस आती है जो काफ़ी ज़्यादा बढ़िया है। बट कहीं ना कहीं डिज़ायर जो है वो जो एक फैमिली वाले बंदे को सेफ्टी चाहिए होती है वहाँ पर पीछे लग कर जाती है, क्योंकि इसमें 2 ही एयरबैग्स आते हैं।
अगर मैं आपको कहूँ मैं इसी प्राइस में लगभग 8,30,000 रुपये के प्राइस में आपको एक दूसरे ब्रांड से एक बढ़िया गाड़ी दिलवा दूँ तो कैसा रहेगा। मैं बात कर रहा हूँ दोस्तों Hyundai Aura S वेरिएंट 20,000 रुपये सस्ते दामों में आपको 6 एयरबैग स्टैंडर्ड देखने को मिल रहा है, 1.2 लीटर का सिमिलर इंजन देखने को मिल रहा है, साथ ही साथ आपको वही म्यूजिक सिस्टम देखने को मिल रहा है, LED DRLs देखने को मिल रहे हैं, इसमें आपको TPMS सिस्टम भी देखने को मिल रहा है। तो ओवरऑल एक बहुत बेटर डील है एंड Hyundai Aura डिजायर के कंपैरिजन में कैब्स में थोड़ा कमी चलती है, तो मेरे हिसाब से Hyundai Aura अगर आप एक फैमिली पर्पस कार परचेज करना चाह रहे हैं तो मुझे लगता है काफ़ी बढ़िया डील है। अंदर का इंटीरियर भी बहुत अच्छा कॉम्बिनेशन बिठाया गया एंड मुझे लगता है कि जो फैमिली के हिसाब से जो कार होती है वे Hyundai Aura काफ़ी बेटर निकल कर आती है। अब लास्ट में बात करते हैं एक बोनस कार की जो मुझे लगता है कि काफ़ी लोग मिस कर जाते हैं एंड ये आती है सेकेंड हैंड मार्केट में। अगर आपका बजट लगभग 5-6, 6.5 लाख रुपये तक का बजट है एंड आप कोई सेकेंड हैंड मार्केट में गाड़ी ढूंढ रहे हैं तो मैं कहूँगा कि आप अपनी चॉइस जो है एक बार एस क्रॉस पे भी जाइए। काफ़ी लोग एस क्रॉस को मिस कर जाते हैं बट एस क्रॉस जो है आज के टाइम में बहुत ही बढ़िया गाड़ी है। रीज़न बीइंग एक तो लोग उसे मिसजज करते हैं कि वो एक सब 4 मीटर गाड़ी है। मैं आपको बता दूँ वो एक मिड साइज़ की कैटेगरी गाड़ी है, 4 मीटर से लंबी गाड़ी है एंड उसमें आपको जो मारुति का मोस्ट फेमस 1.3 लीटर डीजल इंजन वो भी देखने को मिल जाता है, जो काफ़ी लोग मिस कर जाते हैं कि भाई उसमें केवल वो पेट्रोल में आती थी, वो पेट्रोल में भी आती थी डीजल में भी आती थी एंड उसका जो ओवरऑल डिज़ाइन था और उसका जो ग्राउंड क्लियरेंस था वो भी काफ़ी अच्छा है एंड मुझे लगता है कि वो गाड़ी अगर आप लोग सेकेंड हैंड मार्केट से उठाते हैं तो आपको बहुत बढ़िया डील मिल जाएगी। तो मैं आपको यही रिकमेंड करूंगा कि आप एस क्रॉस की तरफ जाएं अगर आप सेकेंड हैंड मार्केट में कोई भी गाड़ी ढूंढ रहे हैं। तो बाकी दोस्तों कैसी लगी वीडियो आप कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं एंड वीडियो जरूर से पसंद आई तो लाइक कर सकते हैं, शेयर कर सकते हैं और सब्सक्राइब कर सकते हैं ऑल अबाउट कार्स चैनल को। टिल देन कीप स्माइलिंग, कीप रॉकिंग एंड ऑलवेज ड्राइव सेफ।